हम अभी मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट लॉ के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है, एक प्रदर्शन हो रहा है यहां पर। इनकी मांग है कि बौद्धों के लिए एक अलग कानून बनाया जाए। जाति तोड़ो, समाज छोड़ो, और अगर पूछे कोई तुम्हारी जाति क्या है तो जवाब मैं कहूँ अम्बेडकरवादी। हमारी जाति अम्बेडकरवादी। जिस दिन लोग इस बात को कहना सीख जाएंगे, अपनी छोटी जातियों को खत्म कर देंगे, उसके बाद हमारी जनसंख्या जब पता लगेगी कि हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है, हमें बुद्धिस्ट लो मानना नहीं पड़ेगा। हम संसद के अंदर बैठ के अपने आप अपना लो बना देंगे। और जो खेत की जमीन कोई माँ के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? जो प्राकृतिक संसाधन है कोई माँ के पेट से लेके पैदा हुआ था क्या? अगर नहीं तो उसमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? हमारा हिस्सा कहाँ है? इस बात को सबको समझना। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट लॉ कई सालों से इस आंदोलन को लेकर चल रही है कि बौद्ध लोगों का अलग से पर्सनल लॉ होना चाहिए, और कई बार राजनीतिक पार्टियां प्रॉमिस कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक बुद्धिस्ट लॉ नहीं बनाया, और केंद्र सरकार को बुद्धिस्ट लॉ पूरा ड्राफ्ट करके दिया हुआ है। वो बहाना कर रहे हैं कि हमने जो है कानून मंत्रालय को दिया हुआ है, अपना कानून तो वो 3 दिन के अंदर बना देते हैं। और बुद्धिस्ट जो बौद्ध भारत में पैदा हुआ तथागत बुद्ध, और उन्होंने बुद्ध धम्म दिया और पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया, लेकिन भारत के अंदर बौद्धों को अपना पर्सनल लॉ बनाने के लिए इतने लंबे समय से लड़ना पड़ रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। और मैं निवेदन करता हूँ केंद्र की सरकार से कि बहुत जल्दी ये बुद्धिस्ट लॉ बना के दें, जिस तत्परता से इन्होंने गरीबी के नाम पे 10% रिजर्वेशन का ये 3 दिन के अंदर कैबिनेट से, लोकसभा से, राज्यसभा से पास करके बनाया, तो अगर उनकी नीयत साफ है तो वो बुद्धिस्ट लॉ भी तुरंत बना के दें।